दोस्तों जी के 2020 के करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 1 मार्च 2019 और आज से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है आपकी आने वाली एग्जाम में। और दोस्तों ये वीडियो आपको पहले से एंड तक देखना है क्योंकि आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में आपको दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर की हाईलाइट देखें तो मिग विमान के विंग कमांडर, संयुक्त राष्ट्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इस्लामिक सहयोग संगठन जो हाल ही में आबू धाबी में हो रहा है, अमेरिका और उत्तर कोरिया का हनोई शिखर सम्मेलन जो वियतनाम में हो रहा है, मकरान कप, प्रणाम योजना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लोकसभा चुनाव और रेलवे से जुड़े सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हाल ही में अखबारों में है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अभी तक आपने हमारी सब्सक्राइब चैनल नहीं की है जीके 2020 को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाजू में दी गई बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको दे दी है, वहां से सारे क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में हमारे किस विंग कमांडर को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था जिसे आज यानी कि 1 मार्च 2019 को रिहा कर दिया जाएगा? तो दोस्तों हमारे मिग 21 के कमांडर अभिनंदन वर्धमान को हाल ही में पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था और आज वो उसे रिहा करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी का सी ऑप्शन सही है। आखिर यह घटना किस तरह अंजाम दिया गया था ये भी आप जान लीजिए दोस्तों कि हवा में लड़ाई के दौरान उनका हमारे अभिनंदन वर्धमान का जो मिग विमान था वो पाकिस्तानी F-61 से छेड़ी गई। ये F-61 है, इसी के द्वारा छेड़ी गई ये जो मिसाइल है अमराम उसी की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया और उसी के चलते हमारे विंग कमांडर को विमान से निकलकर मजबूरन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उतरना पड़ा और वहां से उसे गिरफ्त कर लिया गया। लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के तहत उसे छोड़ना ही था। क्यों? तो ये भी देख लीजिए, जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करना ही था, अन्यथा पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने के परिणाम भुगतना पड़ सकता था। तो दोस्तों हमारे अभिनंदन वर्धमान हाल ही में करंट अफेयर में है, जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। 1 मार्च को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों आज है 1 मार्च और आज के दिन को विश्व नागरिक सुरक्षा दिन के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आखिर विश्व नागरिक सुरक्षा दिन कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है वो भी आप देख लीजिए। 1990 में ICDO महासभा के निर्णय द्वारा मनाया गया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और वर्ल्ड सुरक्षा डे, ये याद रखिएगा, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे यानी कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिन। तो यहां एक बात आई है ICDO की, तो ICDO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है जिसने भारत और पाकिस्तान के सार्थक बातचीत के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए कहा है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि उसका ए ऑप्शन सही है। और एंटोनियो गुटेरेस ने ही भारत और पाकिस्तान से सार्थक बातचीत के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए कहा है। UN जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं उसी के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। और यहाँ और ऑप्शन आते हैं बान की मून, जिम योंग किंग। तो दोस्तों ए कौन है? तो हमारे संयुक्त राष्ट्र महासचिव
जो फॉर्मर कौन थे, बानकी मून, और उसी का स्थान लिया है एंटोनियो गुटेरेस ने। और जिम योंग किम वो कौन है, तो वो हमारे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हाल ही के हैं। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, यहाँ से आपको सारी तरह पता चल गया, वर्ल्ड बैंक जिसके हाल ही के प्रेसिडेंट है जॉम किंग उन, और एंटोनियो गुटेरेस है वो वर्तमान हाल ही के महासचिव है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के। और वो किस देश से है वो भी आप याद रख लीजिएगा, पुर्तगाल से है, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला है। और ये महासचिव का कार्यकाल होता है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के लिए ये चुने जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आपके जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट है उसमें ये लिंक शेयर जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे ताजा प्रस्ताव में पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के सरगना को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का आग्रह किया है। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, ये तीनों देशों ने यानी कि उपरोक्त सभी देशों ने एक प्रस्ताव भेजा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, और उसी में जैश ए मोहम्मद के जो गुट है और उसी को आतंकवादी, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का आग्रह किया है। तो दोस्तों यहाँ बात आती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के कुल 6 अंग है, उसी की एक अंग है सुरक्षा परिषद। तो यहाँ दोस्तों देखिए इमेज में, ये आपको बहुत मायने और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं ये 6 अंग, और उसी में से एक अंग है सुरक्षा परिषद। तो हाल ही में सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद के जो संगठन है उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है ये परिषद। तो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 15, उसमें कितने स्थायी तौर पर सदस्य होते हैं, 5, और अल्पकालीन काल के लिए कितने सदस्य होते हैं, 10, और 5 स्थायी सदस्य किस किस देश से होते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। 5 स्थायी सदस्य देश है चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 देश है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है और ये आपको याद रखना है। और उसी के बारे में डिटेल से हम जान लेने के बाद 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में नवाचार और गवर्नेंस के बारे में 3रा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में नवाचार और गवर्नेंस के बारे में 3रा एपीजे अब्दुल कलाम सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अभी इस नवाचार और गवर्नेंस का सम्मेलन जो आयोजित हुआ है उसी के बारे में हम जानते हैं। तो नई दिल्ली में नवाचार और गवर्नेंस के बारे में 3रे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सम्मेलन को किसने संबोधित किया है, हमारे उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने। तो दोस्तों बात आती है हमारे साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम की। तो दोस्तों इसी का एक क्वोट मुझे बहुत पसंद है, मैंने यहाँ रखा है, मैं पढ़ता हूँ, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बहुत सी प्यारी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वर्ष 2016, 17 और 18 के लिए प्रदान किए गए। तो दोस्तों ये विज्ञान से जुड़ा हुआ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है साइंटिस्ट शांति स्वरूप भटनागर की। तो दोस्तों आप इमेज में भी देख सकते हैं, और ये पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो दोस्तों इसका वो प्रदान करता है CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत के द्वारा ये
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है और उसी के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए हैं, जो 45 साल से कम आयु के उम्र के जो साइंटिस्ट है उसी को ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो उसी के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आपकी आने वाली एग्जाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत में अनुसंधान और विकास कार्यों में योगदान के लिए युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रदान किए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी स्थापना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक तथा प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में 1957 में की गई थी। और दोस्तों इस डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर सम्मान के तहत क्या दिया जाता है विजेता को, तो ये भी देख लीजिए। ये पुरस्कार के स्वरूप में 5,00,000 रुपये की नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। यह जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडल, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट अनुसंधान लागू या मौलिक के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। और मैंने आपसे एक फुल फॉर्म भी ये याद रखने के लिए कहा था, CSIR, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो दोस्तों यही जो काउंसिल है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में आबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के सम्मेलन का विषय क्या था? तो दोस्तों हाल ही में आबू धाबी में जो इस्लामिक सहयोग संगठन आयोजित हो रहा है उसी का विषय है इस्लामिक सहयोग के 50 वर्ष, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है आबू धाबी की, तो आबू धाबी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है आबू धाबी, जो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच यहाँ पर स्थित है। और हमारा इंडिया यहाँ पे है, यहाँ से देखें तो ये अरब सागर, वहाँ से आगे बढ़िए गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो दोस्तों हाल ही में यहाँ आबू धाबी में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए आबू धाबी गई है। संगठन के होने वाले पूर्ण सत्र में भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया गया है, क्योंकि ये इस्लामिक संगठन है, फिर भी गैर इस्लामिक इंडिया को यहाँ न्योता भेजा गया है, क्योंकि हाल ही में भारत में 18 करोड़ इस्लामिक आबादी के होते के नाते ये सम्मेलन में हमें अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। सम्मेलन का विषय क्या है? इस्लामिक सहयोग के 50 वर्ष इस संगठन का सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका और उत्तर कोरिया हनोई शिखर सम्मेलन विफल रहने का कारण क्या रहा? तो दोस्तों वियतनाम की कैपिटल हनोई में जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो विफल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाने की उत्तर कोरिया की मांग को मानने से इनकार कर दिया और उसी के तौर पर ये हनोई शिखर सम्मेलन विफल रहा है। और यहाँ बात आती है हनोई शिखर सम्मेलन की, तो हनोई शिखर सम्मेलन कहाँ पे स्थित है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा इंडिया, तो दोस्तों इंडिया यहाँ पे है और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ है वियतनाम, और वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। और यहाँ से म्यांमार, म्यांमार से लाओस और लाओस से हनोई, तो ये रास्ता है। और यहाँ ही हाल ही में अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख के दोनों के बीच
जो हनोई वार्तालाप हुआ वो विफल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के चाबहार में आयोजित मकरान कप में किस भारतीय मुक्केबाज को स्वर्ण पदक मिला है? तो दोस्तों हाल ही में भारत के दीपक सिंह को मकरान कप में स्वर्ण पदक मिला है। तो मकरान कप आयोजित कहां हुआ हो रहा है? ईरान के चाबहार में। तो दोस्तों उसी के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो दीपक सिंह, हाल ही में दीपक सिंह जो आपको आपके राइट में जो ये दिख रहे हैं वो है दीपक सिंह, और हाल ही में उसी को मकरान कप मुक्केबाजी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है भारत की ओर से, इसीलिए आपको याद रखिएगा दीपक सिंह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दसवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग शुरू किया है? तो हाल ही में दोस्तों असम की राज्य सरकार ने माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग शुरू किया है। लेकिन कर्मचारी जो राज्य सरकार के गवर्नमेंट कर्मचारी है उसी के माता पिता और उसी के भाई बहन जो अविवाहित है उसी की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग का गठन किया है असम सरकार ने। तो यहाँ बात आती है असम सरकार की। तो दोस्तों असम सरकार के हाल ही के असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, और उसी ने हाल ही में कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए एक विधेयक से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए एक स्थापित पैनल किया है, उसी का नाम है प्रणाम आयोग। तो दोस्तों ये याद रखिएगा असम राज्य से जुड़ा हुआ है प्रणाम आयोग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका के किस क्रिकेटर को एंटी करप्शन कोड के मामलों को तोड़ने पर 2 साल के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है? तो दोस्तों हाल ही में सनत जयसूर्या ने एंटी करप्शन कोड के मामलों को तोड़ने के जुर्माने पर आईसीसी ने उसे 2 साल के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इमेज में देखिए ए है सनत जयसूर्या और उसी को ही हाल ही में आईसीसी ने 2 साल के लिए क्रिकेट पर बैन लगा दिया है, यानी कि वो कोचिंग भी नहीं करा सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में होने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को कितने साल के आयकर रिटर्न विवरण और विदेशों में संपत्ति का ब्यौरा देना होगा? तो दोस्तों हाल ही में निर्वाचन आयोग ने एक फैसला लिया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने, और उसी के तहत लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी उम्मीदवार है उसी को 5 साल का आयकर रिटर्न विवरण और विदेशों में संपत्ति के ब्यौरे भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश करने पड़ेंगे, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। यहाँ बात आती है भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और वर्तमान समय में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोरा हमारे वर्तमान समय के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और निर्वाचन में अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त भी है, उसमें से एक है अशोक लवासा और दूसरा है जिसे हाल ही में अपॉइंट किया गया है सुशील चंद्रा। तो दोस्तों हाल ही में हमारी ये निर्वाचन बॉडी आपको बहुत मायने रखती है, याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ T20 शतकीय पारी खेलकर विजय दिलाई है? तो हाल ही में दोस्तों T20 मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने धुआंधार पारी खेलकर ऑस्ट्रेलियन टीम को विजय दिलाई है। उतना ही नहीं, उसने 0-2 लीड से ये T20 सीरीज जीत लिया है, और मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने
जब शतकीय पारी खेली है तो उसमें कुछ रिकॉर्ड हमारे सामने आए हैं। तो दोस्तों ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, तो उसी के बारे में जानते हैं। T20 क्रिकेट में यह ग्लेन मैक्सवेल का तीसरा शतक था। ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय सरजमी पर अंतरराष्ट्रीय T20 में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। और उससे पहले, ग्लेन मैक्सवेल से पहले, यह रिकॉर्ड एरन फिंच के नाम से दर्ज था। और ऑस्ट्रेलिया के साल 2018 के T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, याद रखिएगा दोस्तों, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया ने उसे चुना गया है। तो दोस्तों हाल ही में ये सारे रिकॉर्ड आप, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में कितने स्थानों में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। तो हाल ही में दोस्तों पीएम मोदी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए हाल ही में मेरा बूथ सबसे मजबूत यह कार्यक्रम लॉन्च किया है, और उसी के तहत 15,000 स्थानों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों उसी के बारे में ही हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 15,000 स्थानों में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवक से संवाद किया, और यह दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जिसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करना था। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद हाल ही में 15,000 कार्यकर्ताओं के सामने पेश किया है पीएम मोदी जी ने। 15वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे का नया क्षेत्र दक्षिण तट रेलवे यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे का दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है विशाखापत्तनम में, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। यहाँ बात आती है भारतीय रेलवे की, तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है भारतीय रेलवे की ऑफिशियल लोगो, भारतीय रेलवे। और भारतीय रेलवे का संचालन अभी 17 क्षेत्रों में बटा हुआ है, और हर एक क्षेत्र में अंतर्गत एक डिवीजन है, प्रत्येक डिवीजन का एक मुख्यालय है। वर्तमान में रेलवे की कुल 73 डिवीजन है, और हमारे भारतीय मैप में ये देखिए दोस्तों, इंडिया का मैप में ये सारे जो 17 इंडियन रेलवे के क्षेत्र है उसी का ये मैप है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे का संचालन 17 क्षेत्रों में बांटकर किया जाता है, और अभी तक हाल ही में नया एक डिवीजन खोला गया है और उसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। और दोस्तों मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, प्रश्न यह था कि हाल ही में भारतीय निर्माता गुणित मोंगा की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तचित्र का ऑस्कर फिल्म पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों हाल ही में गुणित मोंगा की पिक्चर है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, इसी पिक्चर को सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्तचित्र का ऑस्कर फिल्म पुरस्कार मिला है, जो आप वो बैनर में भी देख सकते हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। और बहुत से दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है, इन सबको हार्दिक बधाइयां। और आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महान वैज्ञानिक की याद में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों चार ऑप्शन आपके नज़र के सामने है, और सही आंसर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और दोस्तों आपसे ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल GK2020 को, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।